Hey guys, what's up? I am Anubhav Vandotran. Welcome back to my channel. और मैं वापस अपने एक नए ब्लॉग के साथ और यार आगे से गाड़ी आ गई और इस टाइम मैं कठुआ बाजार में और मैं इस टाइम आया हूँ कुछ काम से और काम शुम करेंगे तो मैंने सोचा क्यों ना आज कठुआ का भी ब्लॉग बनाया जाए तो बस वही बना रहा हूँ अभी आपके सामने आप देख ही रहे हो। तो पहले मैं जाता हूँ अभी वी मार्ट चलते हैं तो थोड़ा काम है एक्सचेंज करवाना मेरे को कुछ अपने लिए फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। और यहाँ पे आप यार रश देख ही रहे हो मतलब वैसे रश होता ही है ज़्यादा रश चलता ही वाला रोड साइड का गाड़ियाँ इसमें है बड़ा साइज है इसमें बड़ा है छोटा चाहिए ऐसे स्मॉल चाहिए भाई मैंने भी देखी मेरे को तो मिली नहीं इधर यही है ट्राई करता हूँ उधर जल्दी आ जाओ तो वी मार्ट वाला यार हमारा काम हो गया है छोटा सा काम था लेकिन चलो बाकी भी हमने किया तो वैसे मैं छोटा सा काम था और टाइम वैसे लग ही गया और एक और काम पे मैं गया हुआ था यार वो मैं वीडियो नहीं बना पाया उसकी कोई बात नहीं। और अभी हम जा रहे हैं कॉलेज कुछ काम है ऑफिस में तो वो कॉलेज इधर जा रहे हैं तो चलते हैं फिर ये है अपना कठुआ कॉलेज देखो यार इसमें कितना टैलेंट है देखो बेचारे की बाजू नहीं है और तब भी बॉलिंग करवा रहा है इतनी खतरनाक देखो यार अभी बॉलिंग करवा रहा है अभी हम कॉलेज से निकले हैं कॉलेज वाला काम भी हो गया और अभी हम जा रहे हैं शायद से नहर पे इधर हम देखते हैं अगर मौसम तो वैसे अच्छा ही है हम इधर बैठेंगे नहर पे बैठेंगे अभी हम और बैठ के कुछ देखते हैं क्या करना है कुछ खाएंगे पियेंगे नहर रौनकें बड़ी लगी होती हैं यार नहर पे इसलिए मैंने सोचा भी आया हुआ है तो चलो बैठते हैं थोड़ा टाइम भाई कह रहे पहले रो ही पीनी है रो पी के ही जाना है मज़ा ही नहीं हरा पहले रो पी रहा फिर ही जाना पी लो भरा पी लो ये है ना भाई यार जहाँ पे भी जाएगा ना खाने पीने का इसको सबसे पहले ध्यान होता है कहीं पे भी जाएगा बैठता नहीं आराम से कुछ ना कुछ खाना ही खाना है इसके साथ जो बंदा भी आएगा भूखा नहीं रहता चाहे अगले के पैसे खर्च आएगा या अपने खर्चे देगा लेकिन बैठता नहीं है खाना इसको है ही और रो पी के लगता है यार बाइक में भी एनर्जी आ गई है रो मैंने भी एनर्जी बाइक में आ गई कह रही धीरे चलना ही नहीं है तेज़ ही चला लेकिन यार यहाँ पर ज़्यादा तेज़ चला भी नहीं सकता क्योंकि घर आस पास कभी कोई भी आ सकता है इसलिए यार और ये है हमारा कठुआ का वन एंड ओनली ड्रीम लैंड पार्क जो भी लेकिन मतलब अकलौता है यार ये बीच में नहर का पानी ठंडा ठंडा और साइड पे बैठने की जगह बड़ा ज़बरदस्त है कठुआ वालों के लिए ये तो सबसे ख़तरनाक जगह है पिकनिक स्पॉट
जो मर्जी बोल लो, बस ये देखो यार कितनी सुंदर जगह, भगवान की कसम यार कितना पानी भरा हुआ यहाँ पे। और इस टाइम बिल्कुल शांत ऐसे खाली लग रहा है ना, लेकिन गर्मियों में यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती है। ये पूरी नहर भरी होती है, साइड साइड पे लोग होते हैं, पार्क में लोग होते हैं और बीच में लोग नहा रहे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। पानी भी यार ये ठंडा है काफ़ी, मतलब गर्मी के लिए यहाँ पे कठुआ के लोग सभी यहाँ पे आते हैं ज़्यादातर। अभी तो जम्मू से पठानकोट से भी लोग यहाँ पे आते हैं जिनको पता है। पानी ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, कितनी साफ सफाई है। सुबह से निकले हुए हैं और इस टाइम हम ड्रीम पार्क अपने काम वगैरह हमने सारे कर लिए हैं और इस टाइम भूख लगी और मैंने सोचा इधर कुछ बैठ के खाएंगे। अब पिज़्ज़ा तो नहीं खाना यार, क्योंकि पिज़्ज़ा कल खाया तो रोज़ पिज़्ज़ा वगैरह खा भी नहीं सकता बंदा। मैं सोच रहा हूँ आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। क्या खाना है आपने बताओ? यार पाव भाजी का बड़ा मन कर रहा है। मुंबई में थोड़ी बैठे हुए, इधर मिलेगी नहीं कहीं पर, यहाँ नहीं मिलती भाई। यहाँ काम किसने किया पाव भाजी? इनसे मिल जाएगी ये जो गुफ्तगू वगैरह ब्लैक वाटर वगैरह से? भाई पाव भाजी क्या हमारे कठुआ में मिलती है या नहीं? देखो फोन में फोन करूँगा। भाई की तो पाव भाजी मिली नहीं हमारे कठुआ में, इतने बड़ा कठुआ और यहाँ पे कहीं पे हमारे को पाव भाजी नहीं मिल रही है। पिज़्ज़ा खा लें फिर, ऑनलाइन भी होता है इधर। ऑनलाइन किसके पास फ़ोन तो किया तो था मैंने, ऐसा सहूलियत भी है इधर। सहूलियत हाँ। उसको कैसे ऑनलाइन करते हैं? ऑनलाइन करते हैं। आपको पता है आता करना? हाँ करें फिर। करो अपना मारो सर, देखते हैं सहूलियत जो कुछ नया खुला। मैंने तो पहली बार ही सुना है कि कुछ सहूलियत भी हमारे कठुआ में, देखते हैं जो सहूलियत आज हमारी सहूलियत कर पाता है कुछ कि नहीं। यार इधर तो कहाँ मिलता है? इधर है पाव भाजी भाई, पाव भाजी है इधर। इसके ऊपर कितना 10% ऑफ भी आज। ये सही है यार, मंगवाएं फिर इसे तो। ऑनलाइन मंगवाएं नंबर से मंगवाएं? नंबर से मंगवाते हैं, नंबर से मंगवाते हैं ना, नंबर भी है ना इनका? हाँ है। गाइस मार को आज यहाँ से पाव भाजी मिली है, आज हमने पाव भाजी खा के घर जाना है तो ऑनलाइन मिल गया। पहले हम इनको कॉल करने लगे हैं, वहाँ से करते हैं और अगर हमारे को सही लगेगी मैं आपको भी इस वीडियो में इनका नंबर डाल दूँगा, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। हेलो गुड आफ्टरनून सर, कहाँ से आप? सहूलियत से बोल रहे हो? सर मेरे को ना एक्चुअली यहाँ पे पाव भाजी ऑर्डर करवानी थी। हाँ सर हो जाएगी ना पक्का? क्योंकि मैंने एक्चुअली और भी किसी रेस्टोरेंट वगैरह पता किया तो यहाँ पे कठुआ में तो कहीं से मिल नहीं रही है। अच्छा मतलब मैं व्हाट्सएप पे भी कर सकता हूँ? जी जी सर बिल्कुल, आप ड्रॉप कर सकते हैं सर। ओके ओके सर, जी सर ठीक है। तो अभी प्लीज़ मेरा ऑर्डर लिख लो यहाँ पे या मैं व्हाट्सएप पे करूँ आपको टेक्स्ट? सर व्हाट्सएप में कर दो, एक्चुअली मुझे फॉरवर्ड करना था ऑर्डर को, व्हाट्सएप वाले ऑर्डर को। इसी नंबर पे प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दो। जी इसी नंबर पे ड्रॉप ड्रॉप कर दो, आपको डिलीवर हो जाएगा सर। ओके ओके मैं अभी आपको वो कर देता हूँ, एड्रेस भी छोड़ देता हूँ। ओके ओके नो प्रॉब्लम, हम इनको कर देते हैं ऑर्डर, देखते हैं कैसी इनकी पाव भाजी। हमारी पाव भाजी इस टाइम आ गई है और हम यहाँ पे नहर पे साइड पे बैठ के खाएंगे गरम गरम। ABCDEFG
पहली बार मैंने इनका काम देखा। ये देखो यार ओ भाई ये तो लग रही है जैसे मुंबई से आई हुई है। खा के बताओ मेरे को कैसी है, टेस्ट करके बताओ, एक टेस्ट करो। कैसी है? उसम। सच्ची में? बॉम्बे वाला तो आज हमारा मन था यार पाव भाजी खाने का और हमारे को मिल गई है। वैसे किसी रेस्टोरेंट से नहीं मिली, ये हमारे को मिली है ऑनलाइन। ऑनलाइन खुला हुआ है एक सहूलियत करके, सहूलियत कठुआ, या आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो sahooliyatkathua.com। इसका व्हाट्सएप नंबर भी है, मैं वहाँ पे डाल दूँगा, आप सीधे व्हाट्सएप पे ऑर्डर लिख के दे सकते हो और वहाँ पे अपना एड्रेस भी लिख सकते हो, जिसमें जो आपका सीधा ऑर्डर है वो आपके सीधे घर में पहुँच जाएगा। और ये था भी काफ़ी मतलब सस्ता और जो खाने की क्वालिटी थी यार वो तो बड़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। और बाकी अगर आपको कुछ भी यहाँ से मंगवाना खाने के लिए, कोई भी चीज़ अगर आपको आइटम यहाँ से मंगवानी है आप यहाँ से मंगवा सकते हो, मेडिसिन वगैरह। आज का ये और आज का ये व्लॉग हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं कठुआ ड्रीम पार्क में, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस, प्लीज़ थोड़ा प्यार दिखाओ और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, और बाकी अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल और कमेंट करके बता देना अगर आप, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगा हो मैं उसको क्या मेरे को ठीक करने की जरूरत है, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ऐसा ज़रूर बता देना। सो बाय गाइज़।